पौड़ी जिले के बिलकेदार पौड़ी रोड की हालत खस्ताहाल हो गई है। यहाँ सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन गड्ढों में अक्सर वाहन चालक और पैदल चलने वाले हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रेलवे विभाग के बड़े बड़े ट्रक और भारी भरकम मशीनें जाती हैं, जिसके कारण इस रोड की ऐसी हालत हो गई। दिन भर यहां से पहले तो धूल का गुबार उड़ता रहता है और दूसरी तरफ बड़े ट्रकों के कारण अब सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं, जिसके चलते दोपहिया वाहन चालक और पैदल चलने वालों का सफर दूभर हो गया है। ऐसा जिस हिसाब से रोड की स्थिति है तो बहुत ही बेकार स्थिति में रोड चल चुकी है यहाँ पे। खासतौर पर ये जो दुपहिया वाहन है इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक रोड है तो सबके लिए ही, और ये रोड काफ़ी पहले से ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। कहीं पे खड्डे हैं, मतलब कुल मिलाकर ये है कि रोड की हालत बहुत बुरी है। बिल्कुल दुर्घटना के होने की बहुत पूरी पूरी संभावना ही है यहाँ पे, क्योंकि रोड इतनी ख़राब है। जहाँ हमें पहले हम 20 मिनट में पहुँचते थे, अब हमें 40-45 मिनट में श्रीनगर पहुँचा जा रहा है। हम तो प्रशासन से ही निवेदन करेंगे कि इस रोड को जल्द से जल्द सही करवाएं। सर, जब से रेलवे का काम शुरू हुआ है, LNT का काम शुरू हुआ है, सारी धूल ही धूल है, पूरे घास भी खराब हो चुकी है, अगल बगल सारी रोड भी खराब हो चुकी है। अच्छा है, अगर रेलवे बन रही है बहुत बढ़िया है, यहाँ पे विकास हो रहा है, लेकिन साथ में जो हम लोग आम जनता जो यहाँ पे परेशान हो रही है इस रोड की वजह से, तो इसका भी जल्दी से जल्दी निदान किया जाए। तो यहाँ पे नाली का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पानी वानी रहता है, दूसरा कीचड़ बहुत ज्यादा है, गड्ढे इतने ज्यादा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी रोड आपको ऐसी मिलेगी। गाड़ियाँ इतनी स्लिप हो जाती हैं यहाँ पे, ऊपर से गाड़ियाँ यहाँ इतनी ज्यादा है कि वो जाती ही नहीं, आधे एक्सीडेंट तो उनकी वजह से हो जाते हैं। ये यहाँ पे जब से रेलवे का और ये पिटपुल का काम चला है, पिटपुल ने केवल अपना काम हवाई करके यहाँ पे छोड़ दिया है, उसके बाद रोड का ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है, इतने हैवी डंपर चल रहे हैं यहाँ पे, रोड देखो जहाँ ना कहीं गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। प्रशासन से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का या डामरीकरण स्टार्ट करें, या पुनः इसे बनाने की जो भी है कष्ट करें इसका। मैं इस रोड पे 18 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और आप देख रहे हैं रोड की कंडीशन क्या। अगर कोई मरीज हो तो सर श्रीनगर पहुँचने से पहले ही मर जाएगा वो, जिस हिसाब से रोड की कंडीशन है। और ये कंडीशन तब से है जब से रेलवे का काम चालू हुआ है। सर, हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस रोड का काम तो हो। सर, रेलवे इसमें अलग काम कर रहा है, बिजली विभाग का अलग काम है इसमें, सर फिर भी इसके बावजूद भी इस रोड की ये हालत है। बताइए सर, आप हम क्या करें? सर, मेरा तो ये मानना है कि जो अधिकारी है ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सरकार नहीं। सरकार तो अब रेलवे का प्रोजेक्ट भी बना रही है, वो भी हमारे लिए सुविधाजनक है। अब देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, हमें भी डर है और आपको भी डर होगा इस बात का। नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारी समस्या उसका निवारण जल्द से जल्द हो, और इसमें LNT का ही महत्वपूर्ण योगदान है कि अगर वो जल्दी से जल्दी नहीं करेगी तो ये समस्या तस्की मस नहीं हो पाएगी, मेरा कहना है। ये सड़क जो है कीर्तिनगर से खंदुखाल मार्ग जो है लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, और ये बहुत बढ़िया, पहले यहाँ पर पेंटिंग थी, अच्छा मार्ग था और कोई धूल वूल नहीं थी। लेकिन जब से यहाँ पर रेलवे का काम शुरू हुआ है, LNT इनकी सहायक कंपनी है, अन्य भी हैं, इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े ट्रॉले यहाँ से जाते हैं, दिन रात जाते हैं, रात को भी जाते हैं, आधी रात को भी जाते हैं, और उन ट्रॉलों के जाने से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों के बीच में जो है पानी रुकता है। यहाँ पर हमारे लगभग 3 विद्यालय यहाँ पर है और सारे बच्चे यहाँ से आवागमन करते हैं, उन बच्चों के ऊपर कीचड़ उछलता रहता है दिन रात और कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक एप्लीकेशन है, ये वाली अक्टूबर 2021 को उपजिलाधिकारी महोदय श्रीनगर को ये दी है। इस संबंध में सारे लोगों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं, इस संबंध में अवगत भी किया है, लेकिन अभी तक हमें लगता है कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई इसमें नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि जनता यहाँ पर बहुत ही मायूस है इस प्रकार के प्रशासन की तरफ से भी जो भी कार्य हो रहा है, और LNT या PWD की तरफ से जो भी कार्य हो रहा है उससे जनता बहुत मायूस है। लोगों का कहना कि कई बार प्रशासन से इस मामले में शिकायत की गई लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि उनके द्वारा रेलवे को आदेशित किया जाएगा कि सड़क को ठीक किया जाए, साथ ही धूल से निजात दिलाने के लिए पानी के टैंकरों से भी छिड़काव किया जाए। जनासू में जो कार्य चल रहा है रेलवे का, उनका सड़क का संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुआ है कि उनके द्वारा उसमें काफ़ी सारी स्थिति खराब हो गई है और उसमें
धूल मिट्टी का भी समस्या जनता को हो रही है, उनको तत्काल उसके लिए कार्य करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और उसमें उनसे वार्ता भी की जा रही है कि उसमें पानी का छिड़काव नियमित रूप से करें और जो भी सड़क खराब हुई है उसकी तत्कालिक मरम्मत जो है तत्काल रूप से करने के निर्देश दिए जाएंगे। जैसे अभी शिकायत प्राप्त हुआ है तो उसमें संबंधित विभाग को मैं एक बार मौके पर भेज के उनसे स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा और रेलवे के माध्यम से उनका सड़क का मरम्मत और जो भी धूल मिट्टी से परेशानी हो रही है उसके लिए पानी छिड़काव नियमित रूप से करने का निर्देश दिया जा रहा है। बहरहाल डीएम ने सड़क के सुधारीकरण के आदेश दे दिए हैं, साथ ही ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है इसलिए उन्हें भी सड़क का मौका मुआयना करने के लिए कहा गया है। अब देखना ये है कि कब तक इस खस्ताहाल सड़क से लोगों को निजात मिल पाएगी। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।